हेलो दोस्तों, आज आपको इलेक्ट्रिकल बोर्ड वायरिंग सिखाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों किस तरह से स्विच कनेक्शन होता है, आपको सही तरीके से आज दिखाने वाले हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये लाल जितने हैं वायर तार है, पॉइंट वाले हैं, वो लाइट पॉइंट से आए हैं। जैसा कि देखिए, एक ये बल्ब पे होल्डर लगा हुआ है, इस जगह होल्डर लगा हुआ है, ये सब का लाल पॉइंट यहाँ से हम नीचे ले आए ये सब को। और मेरा जो मेन लाइन आएगा एमसीबी से, ये 1.5 mm वाले हैं। ये देखिए, इसको नीचे से शॉर्ट किया हुआ है दोस्तों। ये देखिए, स्विच को इस तरह से नीचे को शॉर्ट करना है, इसमें सब में लाइन आएगा। इससे द्वारा 1.5 mm के जोड़ दिए और सारे नेटवर्क एक जगह जोड़ के शॉर्ट का एक जिसमें एन लिखा हुआ है उस जगह में आपको कनेक्शन करना होगा दोस्तों। और पॉइंट को सारे पॉइंट के स्विच में दे देना होगा दोस्तों। इस तरह से स्विच बोर्ड कनेक्शन होता है। तो दोस्तों, मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें, कमेंट करें। दोस्तों, मैंने रूम का स्विच बोर्ड कनेक्शन आपको दिखाए, आप चलिए किचन वाला स्विच बोर्ड दिखा रहे हैं। इसमें एक ठो पावर सॉकेट है और एक लाइटिंग सॉकेट है और स्विच है। तो दोस्तों, इसमें देखिए, पावर में न्यूट्रल को सारे न्यूट्रल को जोड़ दिए एक साथ में। 15 एम्पियर का जो एन लिखा हुआ है उस जगह में हम इसको कनेक्शन कर रहे हैं, टर्मिनल में डाल दे रहे हैं। उसके बाद लाइट पॉइंट का मेरा इसमें किचन में एक ठो लाइट पॉइंट है, उसमें देखिए ब्लू और काला ले आए, देखिए छील रहे हैं ब्लू काला को। काला न्यूट्रल जो है मेरा, काला न्यूट्रल आ रहा जो 1.5 mm का लाइटिंग का, उसमें मोड़ इसमें हम जॉइंटिंग कर देंगे। ये देखिए, जॉइनिंग छील के ज्वाइन करेंगे। और जो ब्लू वायर है उसको हम 5 एम्पियर स्विच में दे देंगे ऊपर में। तो इस तरह से किया जाता है। देखिए, हम लाइटिंग वाला काला 1.5 mm से जोड़ दे रहे हैं, इसको टेपिंग कर देना अच्छा से, टेपिंग कहीं लाइन से ना सटे, न्यूट्रल लाइन से नहीं सटना चाहिए फेस में। इधर ब्लू को जोड़ दिए हैं स्विच में, 5 एम्पियर स्विच में, और एक तो पावर सॉकेट है और एक तो 5 एम्पियर सॉकेट है। फ्रिज चलाने के लिए पावर सॉकेट हम डाल के रख